अस्सलाम व्यूअर्स, आज मैं आपको टू कनाल हाउस की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर साथ साथ फिनिशिंग ऑफ द हाउस और आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द हाउस के बारे में डिटेल डिस्कशन करूँगा आपसे। सो स्टे ट्यून्ड। जो फर्स्ट पॉइंट है अबाउट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टू कनाल हाउस, उसमें आपको माइंड में रखना है कि ग्रे स्ट्रक्चर कॉस्ट से आप स्टार्ट करें। ग्रे स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिकली इट्स फ्रॉम ब्रिकलिंग जब स्टार्ट होती है आपके घर की, तब से लेके आपकी जो प्लास्टरिंग होती है घर की, वो जब फिनिश हो जाए और आपके फर्श कच्चे हो जाएँ, तो आपका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है। तो ये फर्स्ट फेज़ ऑफ द हाउस होता है, जिसे हम घर का ढांचा भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, क्योंकि इसमें आप घर की जो फाउंडेशन है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है, वो आप बना रहे होते हैं। तो इसमें आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, साथ आर्किटेक्ट्स को भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो मैं आपको इस पॉइंट में डिटेल में बताऊँगा। जो ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग है टू कनाल हाउस के लिए, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आपके पास एक प्लॉट है 90x100, उसकी डायमेंशन है, उस पर आपने बेसमेंट के बगैर अगर टू कनाल हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपका कवर्ड एरिया अप्रॉक्सीमेटली 8500 स्क्वायर फीट तक होगा। कई लोग इससे भी थोड़ा कवर्ड एरिया रख लेते हैं, वो 7500 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया रख लेते हैं, या कई लोग तो 6000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया भी रख लेते हैं टू कनाल हाउस का, अगर उन्हें बड़ा लॉन चाहिए। लेकिन मैं अस्यूम करता हूँ कि अगर आपने मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है कवर्ड एरिया फॉर बेडरूम्स एंड अमेनिटीज़, तो 8000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया आप अस्यूम करें फॉर टू कनाल हाउस। और उस 8000 स्क्वायर फीट जो कवर्ड एरिया, उसे आप मल्टीप्लाई कर दें विद 2500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, तो आपके पास एक फिगर आ जाएगा जो कि मैं स्क्रीन में मेंशन कर रहा हूँ। तो आप उसको नोट कर लें अपनी डायरी में, ये कॉस्ट बनती है 2 करोड़ रुपीज़। अगर आप ओवरऑल देखें, तो मैंने आपको स्पेनिश डिज़ाइन या मेडिटेरेनियन डिज़ाइन के बारे में एक्सपेंसेस बताए हैं, क्योंकि इसमें कैनोपीज भी हैं, इसमें मोल्डिंग वर्क्स भी हैं, इसमें साथ साथ आपकी निशेस और बड़ी इंट्रिकेट वॉल पैनलिंग है, इस वजह से इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। और टू कनाल हाउस में यूजुअली लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं उसे बनाने में, क्योंकि उनके पास फाइनेंसिस काफ़ी होते हैं इन फर्स्ट प्लेस टू बाय अ टू कनाल प्लॉट, और टू कनाल हाउस जो है उसको कंस्ट्रक्ट करने वाले फाइनेंशियली इतने कंस्ट्रेंड नहीं होते कम्पेयर टू 5 मल्ला, 10 मल्ला या 1 कनाल हाउस को जो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 2 कनाल हाउस जो है उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप इतना बजट माइंड में रखें ग्रे स्ट्रक्चर के लिए, कि आप 2 करोड़ रुपये अपने ग्रे पे स्पेंड करने की सलाहियत रखते हैं। तो अगर आपने 8 to 9 बेडरूम हाउस बनाना है, क्योंकि आप अगर 2 कनाल हाउस में भी 5 to 6 बेडरूम्स बनाएंगे, तो उससे तो बेहतर है कि आप फिर 1 कनाल का ही हाउस बना लें, अदरवाइज़ आपका 2 कनाल का मकसद नहीं रहता। तो ये मैं जो कॉस्टिंग आपको बता रहा हूँ ग्रे स्ट्रक्चर की, ये 8 बेडरूम हाउस है, साथ 7 क्वार्टर्स भी हैं इसमें, आपकी डबल हाइट लॉबीज़ हैं, साथ आपकी बहुत ह्यूज ड्राॅइंग रूम, डाइनिंग रूम, लाउंज, और आप इसके अलावा और भी स्टडी रूम्स भी हैं इस घर में। तो ओवरऑल जो कवर्ड एरिया वो 8000 स्क्वायर फीट इस तरह बनता है, और उसकी कॉस्ट जो है, अगेन मैं आपको रिपीट कर दूँ, वो 2 करोड़ रुपए तक अप्रॉक्सीमेटली लग जाएगी ग्रे स्ट्रक्चर बनाने में। नेक्स्ट स्टेप जो है वो फिनिशिंग का है। अगर आप टू कनाल हाउस की फिनिशिंग कर रहे हैं, तो इसमें आप माइंड में रखें कि आप कवर्ड एरिया अप्रॉक्सीमेटली मैंने अस्यूम किया हुआ 8000 स्क्वायर फीट है, तो 2 करोड़ रुपये आपके फिनिशिंग पर भी लग जाएंगे, क्योंकि 2500 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 8000 से, तो आपका बनता है 2 करोड़ रुपये, जो कि आपको स्क्रीन पर इधर भी मैंशन किया गया है, आप नोट डाउन कर लें। इसमें आपके हाई एंड फिनिशिंग हो सकती है, मेरे मुताबिक आप इम्पोर्टेड टाइल्स लगा सकते हैं, आप UPVC की विंडोज़ लगा सकते हैं, उसके अलावा आप सॉलिड फ्रंट डोर लगा सकते हैं, लेकिन सेमी सॉलिड बाकी डोर्स लगाएं। इसके अलावा आप इस प्राइस ब्रैकेट में अगेन फॉल सीलिंग भी शामिल है, मोल्डिंग वर्क्स वगैरह, और इसके अलावा टाइल वर्क्स, घर के वॉशरूम फिटिंग्स जो हैं वो आप ग्रोहे की लगा सकते हैं, साथ साथ आप की वाटर क्लॉजेट्स जो हैं वहाँ पे भी ग्रोहे के फिक्सेस लग सकते हैं, साथ अलमारियाँ जो हैं आपकी UPVC में बन सकती हैं, सेमी सॉलिड में भी बन सकती हैं, लेकिन प्योर सॉलिड वुड आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव है, उस वजह से कॉस्ट आपकी काफ़ी बढ़ सकती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ओवरऑल। अगर इन दोनों कॉस्ट को एड अप करें, ग्रे स्ट्रक्चर की 2 करोड़ की कॉस्ट और फिनिशिंग की 2 करोड़, तो आपका टोटल 4 करोड़ रुपये का बजट जो है उसमें आपका बहुत खूबसूरत 2 कनाल का घर कंस्ट्रक्ट हो सकता है।
और इसमें स्पेनिश डिज़ाइन बनाए हैं आप। अगर आप थोड़ी सी कॉस्ट अपनी रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप मॉडर्न डिज़ाइन की तरफ जा सकते हैं, स्ट्रेट लाइंस की तरफ, सिंपलर फिनिश की तरफ। तो आपका यही कवर्ड एरिया जो 8,000 स्क्वायर फीट अराउंड 3.5 से 3.75 करोड़ तक में भी कंस्ट्रक्ट हो सकता है। और अगर आप और अपनी कवर्ड एरिया कम कर लें तो मज़ीद कॉस्ट कम हो सकती है। अगर आप अपने ओपन ग्राउंड का जो एरिया उसे बढ़ा लें तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी कम हो सकती है, साथ साथ आपको ओपन फीलिंग ऑफ द हाउस आपकी बढ़ सकती है। इसके अलावा जो सेकंड एक और पॉइंट है मेरे माइंड में आ रहा है वो ये है कि अगर आपने दो कनाल के प्लॉट लिए, कनाल कनाल के साइड बाय साइड, और उन्हें आप जिन ज्वाइन करा लिए, तो उसमें ये आपको फ़ायदा हो सकता है आप आधे पे कंस्ट्रक्शन करें, एक कनाल पर एक कनाल आप खाली छोड़ दें। कल को अगर आपको कैश की ज़रूरत पड़े तो आप वो एक कनाल जो लैंडस्केप्ड एरिया उसको आप सेल करके एज अ प्लॉट अपना आप कैश का एक हैंडसम रिटर्न भी ले सकते हैं, और जब तक वो प्लॉट आपके पास है आप उसे एज ए लैंडस्केप्ड एरिया ऑफ द हाउस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आजकल काफ़ी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह से दो कनाल का हाउस सूट करता है तो आप इस तरह भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप दो कनाल का 75x130 का जो प्लॉट है वो भी ख़रीद सकते हैं, उससे आपकी फ्रंट की लुक ज़्यादा ग्रैंड आ सकती है, अदरवाइज़ आपकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, प्लॉट की डेप्थ कम होगी। और इसमें प्रोसेस में मैं आपको ये कहूँगा कि आप आर्किटेक्ट्स को इन्वॉल्व रखें स्टार्ट से लेके एंड तक, साथ आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को भी इन्वॉल्व रखें। और अगर आपको किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सर्विसेज चाहिए तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हम आपको ईच एंड एवरी स्टेज से, घर की आर्किटेक्चरल ड्राइंग से लेके कंस्ट्रक्शन फेज से लेके फिनिशिंग फेज से, टर्न की बेसिस पे आपको चाबियां पकड़ाने तक हम आपको असिस्ट कर सकते हैं। और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, हमारी कंपनी की वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप सर्च करें। आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं कि टू कनाल हाउस में अगर आपके माइंड में कोई बात है जो मैं मिस कर गया हूँ वो अगर आपने पूछनी है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। थैंक यू।